आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कोल्ड स्टोरेज बिजनेस शुरू करने की जानकारी आपको दे रहा है। दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत सालाना लगभग 260 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करता है। भारत दूध और फलों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, जिसमें आम, पपीता, अमरूद और केले शामिल है। साथ ही मांस और पोल्ट्री उत्पादों का भी पर्याप्त उत्पादन होता है। अभी भी राष्ट्र में फल और सब्जियों की सालाना खपत लगभग 4.6 से 15.9% है। यह अपव्यय कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे और आधुनिक कटाई तकनीकों की कमी के कारण है। इसलिए यह एक कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय शुरू करने और उससे लाभ कमाने का एक बड़ा अवसर बन जाता है। कोल्ड स्टोरेज एक बार का बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पारंपरिक निवेश की आवश्यकताएं अधिक होती है। हालांकि अन्य छोटे व्यवसाय की तुलना में रिटर्न अधिक है और लंबी अवधि के आधार पर है। कोल्ड स्टोरेज सुविधा को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है एक प्रकार के उत्पादों के लिए और दूसरा कई उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता वाले खाद्य पदार्थों में फल और सब्जियां, पोल्ट्री और मछली उत्पाद, मांस उत्पादन और तंबाकू और बियर जैसे उत्पाद शामिल है। एक आदर्श स्टोरेज की डिजाइन और आवश्यकता है। कोल्ड स्टोरेज कमरा 14 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट होना चाहिए। भंडारण स्थान की ह्यूमिडिटी 85 से 90%। स्टोर की जाने वाली सामग्री फल और सब्जियां। स्टोरेज यूनिट की क्षमता 10 मेट्रिक टन। प्रारंभिक तापमान का उत्पादन करने के लिए 28 to 35 डिग्री सेल्सियस। इंसुलेशन सामग्री 60 mm पॉलीयुरेथेन फाइबर। यूनिट की क्षमता 30,000 BTU प्रति घंटा। बाहरी तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस। तापमान की आवश्यकता प्लस या माइनस 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। मेथड ऑफ कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेशन ताजे गुड़ की भंडारण के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति सबसे कम तापमान है, जो उत्पाद को ठंडा करने वाली चोट का कारण नहीं बनता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज में तापमान नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेटेड गैस जैसे अमोनिया, फ्रियोन आदि फैलते ही चेंबर स्टोर से गर्मी निकलती है। विस्तारित गैस को तब संपीड़ित किया जाता है और गर्म गैस वाले ट्यूबों के ऊपर बहुत पानी या संचलन वायु के माध्यम से संपीड़ित गैस से निकाला गया ताप गैस द्रवीभूत होती है और चक्र दोहराया जाता है। ऐसी प्रणाली से सटीक तापमान नियंत्रण बना रहता है। कोल्ड स्टोरेज के लाभ खराब होने वाले उत्पादों की बर्बादी कम करता है। ऑफ सीजन उत्पादों के लिए भी कम किराए पर दिया जा सकता है। उत्पादों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करता है। ग्राहकों को प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड ऑफर करता है। तो इस प्रकार आज हमने कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के बारे में जानकारी ली। आप भी यह बिजनेस बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सहायता या अधिक मार्गदर्शन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडिया जानने के लिए हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।